प्रगतिशील किसान किस प्रकार मशरूम की खेती करके अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, आइए देखते हैं। व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ रहे किसान आज न केवल व्यावसायिक फसलों को उगा रहे हैं बल्कि उन सभी फसलों को अपने फसल चक्र में शामिल कर रहे हैं जिनकी मांग अधिक है। खेती की ओर बढ़ते रुझान का ही नतीजा है कि आज अभियांत्रिकी जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्र में नौकरी पा लेने के बाद भी युवा फूलों व मशरूम जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में रुचि ले रहे हैं जिससे उनको अच्छा लाभ भी मिल रहा है। मेरा नाम अंकित रहेजा है और मैं एक मशरूम ग्रोवर हूँ। बेसिकली मैं एक इंजीनियर भी हूँ, मैंने बीटेक किया है जयपुर से और अब मैं एक एंटरप्रेनर बनने जा रहा हूँ। और बनने क्या जा रहा हूँ, बन ही गया हूँ क्योंकि मैं हाल फिलहाल में मशरूम ग्रो कर रहा हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं एक कॉरपोरेट कंपनी के अंदर जॉब करता था और हम लोग एयरपोर्ट रनवेज के प्रोजेक्ट लेते थे, रनवे टेस्टिंग्स के, सॉइल टेस्टिंग के, पेवमेंट टेस्टिंग के। तो 2013 के अंदर मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम मशरूम को टेस्ट किया था। तो तब मेरी एक जिज्ञासा थी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मशरूम आखिर है क्या चीज़, क्योंकि टेस्ट वाइज मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो फिर मैंने मशरूम का थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया कि आखिर ये इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या हैं, ये कैसे ग्रो होता है। तो इतना करते करते मैं फिर इसके डेप्थ में चला गया, इसको कमर्शियलाइज करने के लिए मैं उत्सुक हुआ कि इसको मैं कैसे एक एज ए बिजनेस की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरा रुझान बढ़ा मशरूम के बिजनेस के लिए और आज एक मैं मशरूम को ग्रो कर रहा हूँ और एक छोटे से लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। अन्य फसलों के साथ साथ मशरूम उत्पादक किसानों को इस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को तैयार करना आवश्यक होता है क्योंकि इसके लिए खास ढांचा तैयार करके उत्तम कंपोस्ट में मशरूम उत्पादन लिया जाता है और कंपोस्ट तैयार करने की पूरी जानकारी के साथ ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। कंपोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तूड़े को हम गीला करते हैं, 1 से 2 दिन तक हम उसकी 48 घंटे तक हम उसको गीला करते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम सामग्री मिलाते हैं और उसकी हम 2 से 3 मिक्सिंग करके लोडर के द्वारा या मैनुअली जैसे आपके अवेलेबिलिटी का सोर्स हो तो उसको मिक्सिंग करके हम फिर उसको 1 दिन के लिए ही बना देते हैं ताकि जो उसका एनोरबिक स्ट्रक्चर है वो टूट जाए। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लोडर से इसको लोड करके बंकर में डाला जाता है और वहाँ पे एक टाइमर लगा होता है मोटर्स के साथ जो वो एयर प्रोड्यूस करता है। जैसे सपोज 1 घंटे के अंदर हम 15 मिनट एयर देते हैं ताकि जो उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो उसको कंट्रोल रखता है। तो फिर हम हर 1 दिन छोड़ के हम उस कंपोस्ट की टर्निंग करते हैं जेसीबी के द्वारा, उस बंकर से उस कंपोस्ट को बाहर निकाल के आप दूसरे बंकर में डालते हो या अगर आपके पास दूसरा बंकर नहीं है तो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद ये 6 दिन का प्रोसेस रहता है, 6 दिन के प्रोसेस के बाद हम इसको एक टनल में डालते हैं जिसका नाम टेक्निकल नाम है पाश्चराइजेशन चैम्बर। वहाँ पे हम कंपोस्ट का पाश्चराइजेशन करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, उस टेम्परेचर की जो रेंज है वो है 57 से 59 डिग्री सेल्सियस। जब वहाँ पे हम उसको 8 से 9 घंटे तक पाश्चराइज करते हैं उसके बाद हम उसका टेम्परेचर ड्रॉप करके, ड्रॉप उस टेम्परेचर को ऐसे किया जाता है फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस करा के उस चैम्बर के अंदर, हम उसका टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं 53 डिग्री सेल्सियस तक। तो वो हमारा फेस होता है कंडीशनिंग फेस। उस कंडीशनिंग फेस के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी एक्टिनोमाइसेट्स करके हमारे एक बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको हम जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फायर फैंग्स। ये फायर फैंग्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ये फायर फैंग्स हमारा स्पॉन रन करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो हम फिर इसके अंदर 6 दिन तक हमारा ये प्रोसेस रहता है टनल के अंदर, फिर टनल के अंदर हम इसका टेम्परेचर कूल डाउन करके 25 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर स्पॉन मिलाते हैं, स्पॉन मशरूम के बीज को बोला जाता है। फिर हम इसकी बिजाई करते हैं, बिजाई करके हम इसके बैग्स बनाते हैं 10-10 kg के और बैग का साइज होता है 24x30 का। फिर हम उस बैग्स को लेके बाय मैनुअल लेबर से हम उसको कमरे के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं ग्रोइंग चैम्बर्स के अंदर। वहाँ पे वो चैम्बर्स के अंदर रखा जाता है और उसको हम फिर चैम्बर्स के अंदर कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं 16 डिग्री से लेकर 24 से 25 डिग्री तक। पहले की जो कंडीशन होती है वो होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं उसको, 25 डिग्री सेल्सियस पे स्पॉन हमारा बहुत बढ़िया रन होता है, यही उसकी रेंज है। फिर जैसे 12 से 15 दिन तक स्पॉन रन होगा हम उसके ऊपर केसिंग लेयर डालते हैं। उस केसिंग लेयर से क्या होता है कि वो जाले को स्ट्रेस करती है और वो पिन के रूप में पैदा करती है।
फिर केसिंग केस रन होता है, फिर केस रन के बाद हम क्या करते हैं उसको शावरिंग देते हैं, पानी देते हैं और कवरिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमारी पिन निकलना शुरू होती है और वो एज ए मशरूम का रूप ले लेती है एट 16 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। फिर जैसे वो मशरूम बड़ा होता जाता है हम उसको एक डेढ़ इंच का साइज लेके उसकी हार्वेस्टिंग करके उसको डिफरेंट डिफरेंट डिमांड में ऑर्डर्स में उसको हम पैक कर देते हैं। किसी भी फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी बहुत ही अहम होती है जिसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लिया जा सकता है। केसिंग बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का यूज करते हैं जिसमें नारियल का बुरादा, राख और 2 साल पुरानी गोबर की खाद। तो हम इन 3 चीजों को मिक्स किया जाता है। वो निर्भर करता है कि आप कौन सा मेथड आप अपनाएंगे। जैसे हम लोग अपनाते हैं गोबर की खाद और नारियल का बुरादा और राखी, तो जिसमें से हम क्या करते हैं कि हमारा 5:4:1 का रेशो रहता है जिसमें से 5 तासले हमारे नारियल के बुरादे के और 4 तासले हमारे गोबर की खाद के, 1 तासला हमारा राख का। तो हम इसको यूज करते हैं और इसकी अच्छे से मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग करने के बाद हम इसको छानते हैं ताकि इसके अंदर से जितने भी कंकर पत्थर हैं वो सब अलग हो जाएं। ये कंकर पत्थर हमें पिनिंग के टाइम पे परेशान करते हैं इसलिए हम इसे पहले ही छान लेते हैं। इसको छानने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद हम कसी से इसकी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद इसको ट्रीट करते हैं। एक दवाई आती है फॉर्मुलिन डिहाइड करके, फॉर्मुलिन डिहाइड, बावास्टीन, मेलाथियोन, नुआन, इस तरीके की हम दवाई को मिक्स करके हम इसको ट्रीट करते हैं और इसको एक सफ़ेद ट्रांसपेरेंट पन्नी से हम इसको ढक देते हैं 24 से 48 घंटे के लिए। फिर इसको यूज करने से पहले 48 घंटे के बाद हम इसको खोलते हैं और खोलने के बाद हम इसके अंदर 1-2 कटाई मारते हैं ताकि जो भी फॉर्मुलिन डिहाइड और दवाई की जो भी हमारी गैस है वो गैस वहां से निकल जाए। और फिर हम इसको तासले में भर के इसको हम बैग के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमारा एक प्रोसेस कम्प्लीट होता है केसिंग का। हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल साफ स्वच्छ उत्पाद को मानकों के साथ तैयार करके बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए कंपोस्ट के साथ उगाई जा रही मशरूम को विशेष सावधानी के साथ अलग करके विपणन के लिए तैयार किया जाता है। एज पर डिमांड हम इसको पैक करते हैं। कई बार हमें डिमांड आती है 200 ग्राम की पन्नी के अंदर पैकेट, पॉली पैकेट्स के अंदर, तो हम उसको पॉली पैकेट्स में पैक करते हैं। पैनेट में आती है इन समर्स के अंदर, तो हम उसको पैनेट में पैक करते हैं 200 ग्राम का, जो आपने देखा होगा ब्लू कलर की एक डब्बी होती है और उसके ऊपर क्लिंग फिल्म का हम एक रोल पैक करते हैं। ये पूरा 40 डेज का साइकिल होता है। 40 डेज के बाद ये मशरूम ग्रो करके और हम इसको 20-25 डेज हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इसको हम 3 फ्लशेज में लेते हैं। पहला फ्लश हमारा 35-40 डेज के अंदर आता है। फ्लश बोलते हैं जैसे ये सारे बैग्स आज आपको बंद दिख रहे हैं, जो 35 डेज के बाद ये सारे बैग्स खुल के इसके अंदर मशरूम होगा और वो हम पूरे के पूरे बैग्स के ऊपर मशरूम होगा। और वो हम मशरूम को 4-5 दिन के एक फ्लश में लेते हैं, तो सारे जितना भी मशरूम होता है उस मशरूम को सारे को निकाल लेते हैं और उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से मशरूम निकलता है उस जगह को हम ढक देते हैं केसिंग मिट्टी से और फिर हम उसको पानी डाल देते हैं क्योंकि मशरूम के अंदर 80-90% के अप्रोक्स वाटर होता है। फिर हम उसका वेट करते हैं। वो जो छोटी पिंस होती हैं वो दोबारा फिर मशरूम का रूप लेती हैं और इसको करीब 3-4 दिन लगते हैं, कई बार 4-5 दिन भी हो जाते हैं। फिर हम सेकंड फ्लश लेते हैं, वो सेकंड फ्लश भी 3-4 दिन चलती है। सेम वैसा ही हम फिर थर्ड फ्लश लेते हैं, तो करीबन ये 3 फ्लशेस हमारी 22-25 दिन के अंदर हमारी एंड हो जाती है। घटते कृषि क्षेत्र और सीमित संसाधनों के भरपूर उपयोग के लिए सब्जियों की व्यावसायिक फसलों का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन न केवल किसानों की आमदनी का अच्छा साधन बना है बल्कि भूमि के समुचित उपयोग में भी अहम योगदान दे रहा है और किसानों का इस ओर बढ़ता रुझान कृषि क्षेत्र की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अहम कड़ी बनकर उनकी आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और भाई कितने ये आपके जैसे खुम्बे हैं कितने चले रहे हैं? खुम्बी अभी मैंने, वैसे तो मेरा 12 महीने का है, 12 महीने का आप समझते होंगे कि एसी फार्म है, हाईटेक फार्म है, तो ऊपर मैंने अभी सर्दियों का भी इस बार ही शेड लगाया पहली बार, तो अभी जस्ट मैं वो पहली बार ही लगा के अभी ख़त्म ही किया मैंने शेड को, तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहा मेरा उसमें और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जबकि वो मेरे लिए एक नया था क्योंकि एसी के अंदर क्या होता है कि हम कंट्रोल कंडीशन में काम करते हैं,
हमारे हाथ में ही ह्यूमिडिटी है, हमारे हाथ में ही टेम्परेचर है, हमारे हाथ में एवरीथिंग है, बट जब हम मौसम के साथ चलते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हमें एक जैसे गंगा के अंदर हम कोई चीज़ डाल देते हैं या किसी नदी के अंदर कोई चीज़ डालता है तो बहती गंगा के साथ चलती है हर चीज़, तो इसमें भी वही है, बहते मौसम के साथ आपको चलना है। तो जैसे अगर सपोज सितंबर का महीना है आपका स्पॉनिंग का या अक्टूबर का महीना स्पॉनिंग का है, तो आप उसके टाइम पे स्पॉनिंग ही कर सकते हो, फ्रूटिंग नहीं कर सकते। तो मेरा अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अभी मशरूम लिया है और अच्छा प्रॉफिट रहा है मुझे। मैंने अभी स्टार्टिंग दो शेड से ही किया है, तो दो शेड में मेरा बड़ा फ्रूटफुल रहा है और मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं अगली बारी के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दो शेड से सीधा चार या पाँच पे जाऊँ।